पांच राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते अब कहर बरपाने लगा है। इस चक्रवात को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चक्रवात ताउते तेज होकर काफी गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है और ये गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते अगले 24 घंटे में और तेज हो सकता है और ये गुजरात के तट की ओर पहुंच सकता है। गुजरात के सूरत में तूफान ने शहर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। रविवार को यहां धूल भरी तेज हवाएं चली। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ताउते साइक्लोन पर मीटिंग की, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात के सीएम और दादर नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि साइक्लोन में कोरोना से पीड़ित लोगों के ऊपर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, इस पर खास तौर से ध्यान देना होगा। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि महाराष्ट्र में अब तक 12,420 नागरिकों को तटीय क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुंबई, ठाणे और पालघर जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं, जबकि रायगढ़ जिला रेड अलर्ट पर है। आपको बता दें, चक्रवात ताउते ने कोविड सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वाशी के सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बने सेंटर की ग्लास कवरिंग टूटकर गिर गई। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए हैं और बारिश का पानी भीतर मरीजों के पास तक पहुंच गया है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चक्रवाती तूफान ताउते आगे चलकर और भी तबाही मचा सकता है।